अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुभान हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस अहम और मरमाती वीडियो में हम आपको स्ट्रॉबेरी के इंतहाई हैरान कन फ़ायदे बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपकी ज़िंदगी में इसकी अहमियत और इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाज़रीन इकराम, स्ट्रॉबेरी इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है और जिस्म के कई अज़ा ऐसे हैं जो स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल से बराह रास्त फ़ायदा उठाते हैं। स्ट्रॉबेरी की मदद से आँखों के अफाल में बेहतरी, ज़हनी तंदरुस्ती, बुलंद फिशार खून से निजात, जोड़ों की बीमारियाँ, गठिया और दिल के अमराज से निजात जैसे कई फ़ायदे शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इस इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने और मुख्तलिफ अकसाम के कैंसर की अलामत को रोकने और कब्ज़ वक्त बुढ़ापे की अलामत से निजात दिलाने में मुफीद साबित हुए हैं। आज की इस अहम वीडियो में स्ट्रॉबेरी के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल सुभान हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमती वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। स्ट्रॉबेरी का साइंसी नाम फर्गेरिया है और इसके कई अकसाम मौजूद हैं। ये झाड़ी की सूरत में उगती है और इंतहाई मज़ेदार फल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इन्हें सिर्फ जायका के लिए ही नहीं बल्कि सेहत की बेहतरी के लिए भी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन इसे यूरोपीय फल समझा जाता है, लेकिन ये दुनिया के तकरीबन तमाम हिस्सों में पाई जाती है और मकबूल है। इसे फल के तौर पर खाने के अलावा सलाद, कस्टर्ड और दीगर कई चीज़ों में शामिल करके भी खाया जाता है। इसे आइसक्रीम, जैम, जेली, स्क्वाश, सिरप, बेकरी आइटम, चॉकलेट, हत्ता के दवाइयों तक में इसकी खूबसूरत रंग, जायका और फायदे की बना पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो मज़ा ताज़ी स्ट्रॉबेरी खाने में है, वो किसी भी और सूरत में इसे इस्तेमाल करने में कहाँ। स्ट्रॉबेरी की गज़ाई अहमियत, जैसा कि हम जानते हैं कि फल, खासकर बे स्ट्रॉबेरी और वो फल जिनके रंग शोक होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट बड़ी मकदार में मौजूद होते हैं, यानी वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। स्ट्रॉबेरी भी इन फलों में से शामिल है, जिसमें ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनोल शामिल है बल्कि न्यूट्रिएंट, विटामिन और मिनरल्स, नमकियात भी शामिल हैं, जो कि इंसानी जिस्म की सेहत के बरकरार रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में विटामिन सी, फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और मैग्नीशियम शामिल है। नाज़रीन इकराम, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल चंद बीमारियों में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 1, आँखों की सेहत के लिए मुफीद है। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स वाफर मकदार में पाए जाते हैं। ऐसे अफराद जिनकी आँखों में मोतिये का मर्ज हो चुका हो, ये अंदेशा हो कि मुस्तकबिल में हो सकता है, वो अफराद इस फल को ज़रूर खाएँ। नाज़रीन इकराम, इंसानी आँखों को विटामिन सी दरकार होता है ताकि सूरज की अल्ट्रावायलेट शाओं की असरात से बचा जा सके। विटामिन सी आँखों के लिए बेहतरीन है। 2, जोड़ों में वर्म, सोजश में कमी। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन का खजाना जोड़ों के वर्म का असर कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक तहकीक के जो खवातीन हर हफ्ते 16 या इससे ज़ायद स्ट्रॉबेरीज खाती हैं, इनमें जोड़ों के वर्म का खतरा 14% कम हो जाता है, जल्द बूढ़ा नहीं होने देती। इस फल में मौजूद विटामिन सी कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए भी अहमियत रखता है, जो जल्द की लचक और नरमी को बेहतर बनाने में मदद देता है, जिस वजह से आपके चेहरे पर झरियाँ पैदा नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन की सतह में कमी आती है, तहम विटामिन सी से भरपूर गजा के इस्तेमाल से जिनको सेहतमंद और जवान बनाने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, हमल के दौरान स्ट्रॉबेरी के फ़ायदे। ऐसी खवातीन जो हामला हों, इन्हें बाकायदगी से स्ट्रॉबेरी खानी चाहिए। हामला खवातीन के लिए आमतौर पर बी विटामिन की एक किस्म फोलेट के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है और स्ट्रॉबेरी इसके हसूल का बेहतरीन जरिया है। फोलेट को हमल के इब्तदाई मराहल में बच्चे की खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के लिए अहम माना जाता है। इसके अलावा भी ये फल माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। 5, जिस्मानी वज़न के लिए फ़ायदेमंद। वज़न कई अफराद के लिए एक मसला बन जाता है, तहम स्ट्रॉबेरी खाना सेहतमंद वज़न को बरकरार रखने समेत ज़्यादातर टाइप 2 और अमराज कलब के खिलाफ बेहतरीन दफा साबित होते हैं। स्ट्रॉबेरी कुदरती तौर पर कम कैलरीज वाला फल है, जिसमें चर्बी नहीं होती, जबकि नमकियात और कुदरती चीनी की मकदार भी बहुत कम होती है, जो जिस्मानी वज़न को ममूल में रखने में मदद देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की अहम वीडियो। अगर आपको हमारी कावशें यानी हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और परेशानी से निजात मिले। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर। अल्लाह हाफिज़।